गर्मी से मौतों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रबंधन में सरकार फेल हो गई है। मुआवजे से बचने के लिए मौत का आंकड़ा छिपाने का पाप किया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल से चौंकाने वाली सूचना है। डोटासरा का कहना है हीट वेव से मौत के बाद करीब 40 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में है। हर दिन करीब 20 से 25 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में आ रहे हैं, लेकिन सरकार मुआवजा देने से बचने की कोशिश कर रही है। 3 दिन के भीतर पोस्टमार्टम करके मामलों को निपटा रही है। तो वही पूरे प्रदेश के हालात भयावह एवं चिंताजनक है। सरकार सिर्फ 5 लोगों की हीट वेव से मौत बता रही है। प्रदेश में भयंकर गर्मी और हीट वेव से मौतों का आंकड़ा बेहद डरावना है। तो ये बयान सामने आया है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। राजस्थान में हीट वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रदेश में 100 से भी कहीं अधिक ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले एसएमएस में रोजाना के 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात हैं। उनका राज्य सरकार के दबाव में 3 दिन के अंदर ही बिना पहचान किए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज के दिन भी 40-45 डेड बॉडीज एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में मोर्चरी में रखी हुई हैं।